उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद का दौर जारी है। तमाम तरह की मशीनों से लेकर रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं सुरंग के अंदर फंसे लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त तकनीकी सचिव महमूद अहमद ने बताया कि उन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए उन्हें कहाँ तक उपलब्धि हासिल हुई है। 800 mm की पाइप हम 900 mm डायरेक्ट पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी, तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 1:15 बजे और 12:45 1:15 बजे, और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जो जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 प्लस 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि हम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी आप लोग से कहा था कि जब तक कि हम 45-50 मीटर तक ना पहुंचे तब तक हम उस मजबूती से शायद ना बोल पाए, तो शाम या रात्रि को हम जो आपसे फिर आएंगे मिलेंगे बात करेंगे, हम जो भी शेयर करेंगे बुलेटिन आपसे, उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेजी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेजी से निकल जाए। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसमें भी हमारी 3री ब्लास्ट हो गई रात को और वहां से भी हम अभी 7.9 मीटर लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। हमारा आप लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था, उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहां पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना, तो जो भी एक दो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट उनके द्वारा और बताया गया तो उसके अनुसार उनको पहुंचाई गई। जैसे थोड़ा एक दो कॉन्स्टिपेशन क्योंकि इतने दिन से खाने में कम खा पा रहे थे तो कॉन्स्टिपेशन का था, तो वो तत्काल उनको पहुंचाया गया, तो डॉक्टर्स ने बात की। अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है, और क्योंकि इमीडिएटली एक साथ बात ना करके थोड़े थोड़े समय भी बात की जा रही है ताकि आराम से वो लोग एक एक करके बात कर पाएं, तो एक एक करके सभी से बात करने का उनका अभी टारगेट है कि सभी से एक बार जो भी एक उनकी मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट जानने के लिए एक साइकेट्रिस्ट जो है एक्सपर्ट हैं वो बात करें। इसके अलावा उनसे मैंने स्वयं बात की है, उनके जो हेड हैं हमारे खुले सर ने उनसे बात की है, तो उनका काफी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि अंदर जो टीम है वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं, और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफी अच्छी मेंटल स्थिति में है और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि सब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को अवगत करना चाहते थे कि खाना सफिशियंट क्वांटिटी में उनके पास पहुंच गया है, जो कुक्ड फूड होता है जो फ्रेशली कुक फूड होता है वो भी उनके पास पहुंचाया जा रहा है लगातार। अब उसके बाद से जैसे आप लोगों को पता है जैसे फूड पाइप एस्टेब्लिश हुई है जो हमारी 6 इंची वाली, उसके माध्यम से सारी चीजें हमारी जा रही हैं सुचारू रूप से। नीचे जो काम चल रहा है वो एक अलग मशीन से चल रहा है और जो फूड पाइप है वो फूड पाइप का अलग से उसमें काम लगातार इस प्रकार से जारी है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन और खाना वगैरह कुछ एसेंशियल इवन उनके लिए कुछ कपड़े जैसे कि आप जानते हैं अंडरगारमेंट बेसिकली जो आदमी को जरूरत होती है, टावल्स वगैरह इस तरीके के छोटे छोटे तहमल वगैरह जो उसमें जा सकते हैं वो भी चीजें, ब्रश वो चीजें भी पहुंचाई गई हैं, जो असेंशियल्स हैं जो बेसिक असेंशियल्स होते हैं उनकी भी कोशिश की जा रही है जैसे जैसे जाते जाएंगे। तो ये आप सभी को अवगत करूँगा।